राम राम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे, बाकी आप अपने सपने पूरे कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारे जीवन में हम बहुत सारे खर्चे करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता, हम शो ऑफ करते हैं। दोस्तों, कौन कौन से वो खर्चे? दोस्तों, पाँच ऐसे खर्चे हैं जो बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में हमें कर्ज में डाल देते हैं दोस्तों। तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए और दोस्तों पढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, महंगी शादियाँ करना। दोस्तों, गांव में आजकल हर जगह पे शो ऑफ चल रहा है, महंगी महंगी शादियाँ कर रहे हैं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी शादियाँ कर रहे हैं। आदमी की वैल्यू 2 लाख की है लेकिन वो 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख की शादी कर रहा है। लोग लोन ले लेते हैं, कर्ज पे पैसे ले लेते हैं, लड़की के पिता के पास पैसे नहीं होते लेकिन वो दिखाने के लिए उस दूल्हे को गाड़ी दे देते हैं, 4 व्हीलर दे देते हैं कर्जे लेके। तो ऐसा शो ऑफ नहीं करना हमें। हमारी जितनी इमेज है, हमारी जितनी एबिलिटी है, जितनी क्षमता है, उतना ही हमें उसी पैसे में शादी करना है। महंगी शादियाँ नहीं करना है दिखावे के लिए, क्योंकि आप कुछ भी अच्छा कर लोगे, खाना कितना ही बेहतरीन बना लोगे शादी में, लेकिन फिर भी कुछ लोग तो ये बोल के चले जाएंगे कि गुलाब जामुन की साइज छोटी थी, सब्जी में नमक नहीं था। तो दोस्तों, पहला पॉइंट समझ में आया होगा आपका। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट की तरफ, बड़े घर और बड़ी गाड़ियाँ लेना। दोस्तों, आजकल समाज में ऐसा चलन चल गया है कि कहीं ना कहीं लोग जिस व्यक्ति की वैल्यू, वो लोग आजकल क्या है, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे लोगों को देख के, यार इतना छोटी उम्र में लोग इतने बड़े बड़े घर ले रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले रहे हैं, लोग दोस्तों इतने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इतने मतलब उनको आदत लग जाती है कि यार उनको चाहिए ही चाहिए। वो लोन ले लेंगे लोगों से, वो क्रेडिट कार्ड चालू कर लेंगे, बहुत सारी जगह पे समूह ले लेंगे, लोगों से कर्ज पे पैसे ले लेंगे, इंटरेस्ट पे पैसे ले लेंगे। दोस्तों, ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बड़े घर और बड़ी गाड़ियाँ तभी खरीदना है। खरीद सकता, हर व्यक्ति खरीद सकता, लेकिन कर्ज लेके नहीं खरीदना है, समझ रहे हो आप। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है महंगे हॉलीडे मनाना। दोस्तों, आजकल तो लोग टूर पे भी जा रहे हैं ना, तो वो भी लोन लेके, क्रेडिट कार्ड के भरोसे जा रहे हैं टूर पे, कि भाई ठीक है क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेंगे। लोग लोन लेके, मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गया है यार, हर जगह हॉलीडे जा रहे हैं तो महंगे महंगे हॉलीडे जा रहे हैं, मतलब कर्ज लेके हॉलीडे मना रहे हो, क्या मतलब यार। आपकी पर्सनल जेब से, बचत से जो पैसा आ रहा तो उसको इन्वेस्ट करो, लेकिन जो बचे बाद में उसको फिर हॉलीडे मनाओ ना यार। चौथा पॉइंट दोस्तों, फिजूल खर्ची, यानी बिना सोचे समझे खर्च करना। मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कि कहीं भी आप मॉल पे जाते हो, कहीं पे भी कुछ खरीदने जाते हो और जो चीज़ आपने लिस्ट बनाई उसके अलावा जो चीज़ आपको पसंद आ गई वो खरीद ली, तो वो फिजूल खर्ची दोस्तों, क्योंकि आपकी लिस्ट में वो चीज़ नहीं थी जो आप लेने गए थे लेकिन उसके बावजूद भी आपने खरीद ली। क्यों? क्योंकि आपके पॉकेट में पैसे थे। तो दोस्तों, मार्केट जाओ तो जो चीज़ लेने जा रहे हो उसी को लेना है, अदरवाइज नहीं लेना, फिजूल खर्ची नहीं करना है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदना। दोस्तों, महंगे महंगे, लोग अभी प्रेजेंट में iPhone 15 आया है, लॉन्च हुआ है, तो उसको लोग लोन लेके फाइनेंस करा के, पता है यार फाइनेंस में मोबाइल मिल जाएगा, फाइनेंस में ट्रैक्टर गाड़ी सब कुछ मिलता है, लेकिन यार नहीं है। किसी व्यक्ति की एबिलिटी तो नहीं लेना चाहिए, फालतू के खर्चे नहीं करना चाहिए। हो सकता है जो जॉब कर रहे हो प्रेजेंट में कर रहे हो, लेकिन आपको लोन लेने के बाद वो जॉब छूट जाए तो कहाँ से चुकाओगे आप उसका पैसा। आईफोन ले लिया 1.5 लाख रुपए का लोगों को दिखाने के लिए, क्या होगा? 1 महीने की खुशी है वो, 15 दिन की खुशी रहेगी मोबाइल, उसके बाद वैसा का वैसा कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इससे अच्छा है कि जितनी एबिलिटी है उतने ही खर्च करने हैं, फालतू के महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं खरीदने। बाकी दोस्तों, उम्मीद है कि ये आपको फालतू के पांच खर्चे हैं, जो कोशिश करिए कि ये फालतू के खर्चे नहीं हो, वेस्ट ना हो, शो ऑफ नहीं करना है यार। लाइफ को सिंपल तरीके से जीना है, कर्ज लेके नहीं जीना है, समझ रहे हो। बाकी दोस्तों, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।